हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौल, आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे रेलवे डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हैं। ये स्टेशन मास्टर के चयन हेतु परीक्षा का प्रश्न पत्र है। देखेंगे, पहला 1 से 50 तक का क्वेश्चन है पार्ट वन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, साधारण नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, साधारण नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो क्षेत्रीय रेल द्वारा, जोनल रेलवे द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, संचालन समय सारणी किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है? संचालन समय सारणी WTT किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है? तो ये होता है बी, ऑप्शन सही है, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन प्लस मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधन प्रबंधक सॉरी प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक। तो प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक CPTM होते हैं। इसका फुल फॉर्म दूसरे वीडियो में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, उपनगरीय संचालन समय सारणी जिन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है वो है क्या है? बी ऑप्शन सही है, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक और प्लस मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? तो टोटल 18 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ब्लॉक सेक्शन को निम्न में से उपवर्गों में बांटा गया है? निम्न में से कौन से उपवर्गों में बांटा गया है? तो ए भी है, बी भी है और सी, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, खंड नियंत्रक रेल के संभाषण संचालन प्रणाली से सुसज्जित भाग पर किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अनुमोदित निर्देश जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS। विशेष अनुमोदित निर्देश जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रेल संरक्षा आयुक्त। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष अनुदेश जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये होता है प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण नियमों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। कांटे लूप लाइन के लिए लगे होने पर कांटा संकेतक रात के समय कौन सी रोशनी देता है? तो हरी रोशनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सल काउंटर के बारे में क्या गलत है? एक्सल काउंटर के बारे में क्या गलत है? रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है। गलत है, यही गलत है। ऑप्शन क्या है? वाहनों की उपस्थिति बताता है, एक्सल काउंटर सही है। लाइन क्लियर करने का साधन बताता है, ये भी सही है। और रेल पथ के दोनों सिरों पर लगा होता है, ये भी सही है। तो कह रहा है इसमें गलत क्या है? तो गलत है रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हैं तब कांटा संकेतक रात के समय कौन सी रोशनी देता है? तो सफेद रोशनी देता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, होम सिग्नल ऑफ करने के लिए स्टेशन मास्टर के आगे जो पर्याप्त दूरी रखी जाती उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सिग्नल ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टर्मिनल स्टेशन पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? तो ये होता आवश्यक नहीं होता है। टर्मिनल स्टेशन पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? आवश्यक नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार निम्न में से क्या नहीं होगा? T/512 प्राइवेट नंबर के साथ ये नहीं होता है। यहाँ पर दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार निम्न में से क्या क्या होता है वो भी जान लीजिए। अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना होता है, सी क्लास स्टेशन की होम सिग्नल का ऑफ होना होता है, अंतिम रोक सिग्नल की खराबी पर T/369 3B प्राइवेट नंबर के साथ होता है, ये होता है। तो कह रहा है इसमें कौन कौन नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही है, T/512 प्राइवेट नंबर के साथ नहीं होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन, यदि ड्रिलिंग स्विच खुला हो तो टैप इंडिकेटर रात में कौन सी रोशनी देता है? तो ये देता है लाल रोशनी। ब्लैक ओवरलैप किन सिग्नल से शुरू होता है? तो प्रथम रोक सिग्नल से शुरू होता है। स्टेशन सीमा क्या है? वो आयतन रोक सिग्नलों के बीच का भाग होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेल के प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो PCOM होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सैंडम को पृथक्करण के अलावा गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए सिग्नल ओवरलैप का पर्याप्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कांटा संकेत डॉट डॉट की जानकारी देता है, तो कांटों की स्थिति बताता है। 23 नंबर का, टैप संकेतक डॉट डॉट की जानकारी के लिए होता है, तो ड्रिलिंग स्विच की स्थिति बताता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डॉट डॉट सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, डी क्लास स्टेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, परिचालित लाइन का अभिप्राय डॉट डॉट द्वारा शासित लाइनों में से है, तो एक या अधिक सिग्नलों द्वारा शासित लाइनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 नंबर है, केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना कौन सा ब्लॉक कहलाता है? तो पावर ब्लॉक कहलाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत संचार यंत्र का अभिप्राय क्या है? टेलीफोन से है, ऑप्शन नंबर ए सही है। डी क्लास स्टेशन के स्टेशन पर सवारी गाड़ी का आगमन का उल्लेख कहाँ होता है? तो संचालन समय सारणी WTT में होता है। सी ऑप्शन 30 नंबर का, डी क्लास स्टेशन के स्टेशन पर सवारी गाड़ी का प्रस्थान का उल्लेख कहाँ होता है? तो ये भी WTT में होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, डी क्लास स्टेशन बोर्ड प्लेटफार्म के सिरों से कितने मीटर पहले लगाया जाता है? तो ये लगाया था 500 मीटर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेल अधिनियम का तात्पर्य क्या है? 1989 के भाग 24 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSL क्या है? CSL क्या है? उल्लंघन चिन्ह से प्रस्थान सिग्नल के बीच का भाग होता है, CSL क्या होता है? उल्लंघन चिन्ह से प्रस्थान सिग्नल के बीच का भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन सेक्शन डॉट डॉट का भाग होता है, तो स्टेशन सीमा का भाग होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन किस वर्ग के स्टेशन पर होता है? तो सी क्लास स्टेशन पर होता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, MACLS में इकाई गहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन डॉट डॉट होता है, तो उपयुक्त सभी होता है, एडवांस टू एडवांस होता है, BSL भी टू BSL होता है, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर, विशेष श्रेणी के स्टेशनों के स्टेशन मास्टर एक विशेष स्टेशन के स्टेशनों के स्टेशन मास्टर नियमों की स्वीकृत किसके द्वारा किया जाता है? तो रेल सुरक्षा आयुक्त या CRS द्वारा किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है,
ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन के संबंध में क्या सत्य है? तो यह सी क्लास स्टेशन पर होता है, यह 400 मीटर से कम नहीं है, यह दोनों ब्लॉक स्टेशनों का भाग होता है। ये सब सही है, उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडहब के बारे में क्या सत्य है? पृथक्करण का साधन है, सिग्नल ओवरलैप का पर्याय है, इसमें गाड़ी का प्रवेश सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है। ये सभी सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान प्रभावित खंड में निम्नलिखित में से किसको भेजा जा सकता है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, ए क्लास स्टेशन पर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो न्यूट्रल जोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन, किसी नियम में संशोधन किए जाने पर उस संबंधित नियम के बाजू में क्या लिखा होना चाहिए? तो शुद्धि पत्र की संख्या तथा मद। 43 नंबर का क्वेश्चन, सी क्लास स्टेशन पर होम स्टेशन के आगे 400 मीटर के भाग को क्या कहते हैं? तो ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सी क्लास स्टेशन पर प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल क्या होता है? तो होम सिग्नल होता है। 45, एक ही धरातल सड़क और रेल पथ का एक दूसरे को पार करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो समपार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट गेट को यातायात गेट कहते हैं। तो ये कहते हैं स्टेशन के वाह्यतम रोक सिग्नल के बीच स्थित गेट को यातायात गेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन पिछले स्टेशन के इस सिग्नल से शुरू होकर अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर समाप्त होता है, तो अंतिम रोक सिग्नल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल जोन जोन क्या है? यह है ए क्लास स्टेशन पर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास स्टेशन पर एडवांस स्टार्टर ना हो तो सिग्नल ओवरलैप कहाँ तक होगा? तो अगला ब्लॉक सेक्शन तक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापता है? तो वायु की गति मापता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो 51 से लेकर 100 तक का रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।